तुम दोनों धरती लोक जाओ और रुद्राक्षी नामक बालिका का वध कर दो। रुद्राक्षी के माता पिता हैं, इस बात का सबूत क्या आपके पास? मेरी बेटी रुद्राक्षी के पीठ पर एक निशान है। सही कह रही है, ये इनकी माँ ही है। आपने अपनी रुद्राक्षी को क्यों नहीं ढूंढा? ठीक से बैठो। रुद्राक्षी के कुछ यहाँ कपड़े रह गए, उसके पापा को फोन करो और कहो कि आके ले जाए। थैंक यू। क्या कहा? रुद्राक्षी किसी गलत हाथ में चले गए, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हमें खुद से जाकर ढूंढना चाहिए। दयारी सर, हमें लगता है हमें उस तरफ जाना चाहिए। मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है, मुझे वापस तेरे भैया के पास छोड़ दो। चुपचाप बैठी रहे वरना दो लगाऊंगा कान के नीचे अभी। क्या हुआ? पता नहीं ये गाड़ी कैसे बंद हो गई। जाकर देखो। सब मेरी गलती। सब्र रखिए, रुद्राक्ष मिल जाएगी। तुम चुप हो जाओ। ये मेरे मम्मी पापा नहीं हो सकते। अरे जल्दी करो ना। अरे कर तो रहा हूँ। क्या कर तो रहा हूँ? ये बच्चे इतना रो क्यों रही? जी ये बच्ची इतना रो क्यों रही? कुछ मदद चाहिए तो बताइए ना। नहीं नहीं, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाओ। चुप हो जाओ। हाँ ये भैया घर पहुंचने के लिए रो रही है। हाँ ठीक है ठीक है, बेटा चुप हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? समझ गई? रोई जा रही है। कहाँ चुप हो जा? ऐसा कर, तू निकाल इस बच्ची को बाहर। क्या कृष्णा, मैं जरा सी देर के लिए बाहर गई है और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। माँ, मैंने धैर्य को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुका ही नहीं। माँ, कहीं धैर्य को वो लड़की मिल तो नहीं जाएगी? हम फंस तो नहीं जाएंगे माँ? कुछ नहीं होगा, अब तक वो बहुत दूर चले गए होंगे। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है क्या? बहन जी, इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? गाड़ी में थे, आधी बच्ची भी होगी। इनकी तो गाड़ी खराब हो गई थी और हो सकता है कि ये अभी वहीं पे हो। कहाँ? ये आगे यहाँ पे और गाड़ी में बच्ची है। जल्दी चलो। रुद्राक्षी, बच्ची को कहाँ लेकर चले गए? क्या करेंगे? अरे ये टाइम नहीं है रोने का, समझी ना? अभी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बस आसपास ही होंगे।
इसको जंगल के अंदर लेके चलते हैं, वहां कोई नहीं आ सकता। हाँ ठीक है चल। जैसे कि लग रहा है मुझे कोई बुला रहा है। हेलो देरे, रुद्राक्षी का कुछ पता चला बेटा? नहीं पापा, हम बस ढूंढ रहे हैं उसे। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, ढूंढो उसे, मैं फोन रखता हूँ। I guess ये मेरा वहम होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्या बिगाड़ा है? चल बताती तुझे मेरा क्या क्या बिगाड़ा है तूने मुझे। आंटी क्यों परेशान कर रही हो मुझे? चलो इसे जंगल में और अंदर लेके चलते हैं। चल अंदर। व्याकुल तो तुमने हमें किया है, हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करके। इसका पाठ तुम्हें अवश्य मिलेगा। देवर्षि, आपके समस्त प्रश्न हो गए हैं, तो हम यहां से प्रस्थान करें क्योंकि हमें ब्रह्मदेव से भेंट करनी है। ब्रह्मदेव से भेंट करने हेतु जाना है? उत्तम, अति उत्तम, हम भी उसी ओर जा रहे थे। आइए देवी पौलमी, आपसे और वार्ता करेंगे। वो देवर्षि, हमें ब्रह्मदेव से भेंट तो करनी है, किंतु उससे पहले हमारा एक कार्य भी पूर्ण करना है। जगह ढूंढ लिया, कहाँ जा सकते? हो सकता है कि जंगल की ओर पे। मुझे नहीं थी, हर भैया के पास दे दो। चल। ये जगह बिल्कुल सही है। एक बार हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, उसके बाद हम अपनी दुनिया में वापस आसानी से जा पाएंगे। इस लड़की को हम यहीं मारेंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। रुद्राक्षी, चल अपना शीश नीचे कर। आप पीते जाते तो क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने। देवी पौलमी का आदेश था कि सूर्यास्त से पहले इस लड़की को मार दिया जाए। देखा, तेरा सर भी ये पत्थर के जैसा हो जाएगा। देवी भैया बचाओ! कोई तुझे बचाने नहीं आएगा यहाँ पर, समझी? देवी भैया, छोड़ो। माते, ये तो देवी पौलमी का षड्यंत्र है। ये दोनों पहले से ही शक्तिशाली है, इसलिए रुद्राक्षी इनका सामना नहीं कर पा रही है। सूर्यास्त से पूर्व देना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। ओम सूर्याय नमः।
रुद्राक्षी रुद्राक्षी ये तो रुद्राक्षी की आवाज है। इसका मतलब वो कहीं आसपास है। हे भारत की रक्षा कीजिएगा। सूर्यदेव हमारा निवेदन स्वीकार करें, कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। सूर्यदेव हमारा निवेदन स्वीकार करें, कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। अरे ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? इस समय सूर्यास्त कैसे हो सकता है? नारायण नारायण देवी पौलमी, हमारा कार्य तो हो गया, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण, जैसे आपकी आज्ञा देवी पौलमी, किंतु अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव ने हमारे साथ पक्षपात किया है, देवी पौलमी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ए लड़की रुक जा, रुक जा, मैंने कहा रुक जा। पकड़ो इसे। ए लड़की ठीक तो हो ना? कुछ हुआ नहीं ना बेटा? कुछ नहीं होगा, मैं रानी हूँ। संतोषी क्या लगने काम है, छोड़ूंगा नहीं। आप ध्यान रखिए। तुम लोगों को क्या लगा था कि बच जाओगे? नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई नहीं बच सकता, इनको इनकी किए की सजा मिल गई। अब घर चलते हैं धैर्य से। संतोषी माँ का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची ठीक है। चलिए चलो बेटा। ये दोनों असुर भी बुद्धिहीन निकले, अब इनका कोई कार्य नहीं। धैर्य क्या हुआ? सो रही है। लाइन भी तो सुना देते आराम से। अबे बेटे कहां मिली ये?
और उन चोरों का क्या हुआ? उनको पुलिस के हवाले किया कि नहीं? पापा आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, उनको अपने किए की सजा मिल गई, वो गहरी खाई में गिर गए, जिंदा नहीं बचे होंगे। शुक्र मनाइए कि रुद्राक्षी सेफ। मॉम, जिस बात का डर था वही हुआ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब इस लड़की की जिंदगी की लकीरें मैं मिटाऊंगी। शुक्र है भाई। गहरी नींद में सो रही। पापा आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जल्दबाजी में मैंने ये स्टेप उठाया, गलती मेरी ही थी। मैंने भी आज डिसाइड कर लिया, रुद्राक्षी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसे गोद लेने वाला हूँ, अडॉप्ट करने वाला हूँ। वो अब यहीं रहेगी हमारे साथ हमेशा के लिए। वाह बेटे, बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारी, मुझे तो पे नाज है बेटा। बहुत अच्छे, क्या बात, यही ना बात। माते, संतोषी के पति ने प्रसन्न कर देने वाला निर्णय लिया है। अब दादाश्री की छत्र छाया सदैव इन पर रहेगी। देवी, हमें क्षमा कर दो, हमने अपनी ओर से समस्त प्रयास किए, किंतु पता नहीं देवी सूर्य अस्त कैसे हो गया। हाँ देवी, कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ठीक है, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं थी। संतोषी का पति कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, किंतु हम इस बालिका को उसकी त्रुटियों का दंड अवश्य देंगे। आप और आपकी पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट बुलाएगा, पूछताछ करेगा, अगर आप लोगों की बातों से संतुष्ट हुआ तो कानूनी तौर पर बच्ची आपको मिल सकती है। और हाँ, इन कागजात पर एप्लीकेशन देने के लिए आप दोनों को सिग्नेचर करने होंगे। आपकी मिसेज नहीं दिख रही है, बुलाइए उन्हें। बताइए कहाँ साइन करना है। एक मिनट। कृष्णा जी जरा बाहर आइए। कृष्णा जी, आपके कुछ दस्तखत लगेंगे यहाँ पे, प्लीज आप यहाँ साइन कर दीजिए। आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं वकील साहब, एक्चुअली क्या है कि हमारी भी शादी नहीं हुई, होने वाली है। फिर तो मैं एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन शादी हमारी। देवी जी, सपोज कीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कोर्ट के नियमों के आधार पर एक पति पत्नी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। धैर्य, तुम संतोषी से साइन क्यों नहीं ले लेते? मैं कृष्णा जी से शादी करने वाला हूँ, उसके बाद ही, शादी के बाद मैं बच्चे को अडॉप्ट करूंगा। रखिए पेपर अपने। ठीक है, जब शादी हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। जी। वैसे आप दोनों चाहें तो मैं आप दोनों की शादी आज ही करवा सकता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कह दीजिए, मैं अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। माते, सब कुछ उचित हो रहा है तो अकस्मात ये बाधा कहाँ से आ गई है? आप व्याकुल ना हो, महादेव ने रुद्राक्षी के लिए कुछ उचित ही सोचा होगा। बहुधा ऐसा होता है कि आवश्यकता से अधिक बुद्धि भी हानि पहुंचाता है। वैसे इस विवाह को देखने में हमें अत्यंत आनंद आने वाला है। मैं आज और अभी शादी नहीं कर सकता, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आने के बाद ही आप पेपर्स रेडी रखिएगा, मैं दोनों काम साथ में कर लूंगा, शादी भी और अडॉप्शन। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। मेरे भैया की शादी इनसे नहीं हो सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
No problem there. I'll wait. तुम जाकर आ जाओ, तब तक मैं मॉम के साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लूंगी. Perfect. और आप चाय पी के जाइए. तेरे भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी. जब तक धैर्य वापस आएगा तब तक मैं इस बच्चे के सारे राज पता कर लूंगी, ताकि शादी के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो.